तो ये है दोस्तों OnePlus Nord 2 और ये है दोस्तों Realme X9 Pro। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है दोस्तों, दोनों फोन सेम है, सिर्फ रीब्रांड करके आने वाला है दोस्तों इंडिया में या फिर ग्लोबली। तो क्या है ये बात, बहुत कल से वायरल हो रही है। तो हम बात करने वाले हैं Realme X9 Pro और OnePlus Nord 2, यानी कि दोनों एक ही फोन है लेकिन दोनों फोन अलग है। मतलब क्या हुआ ये हम आगे वीडियो में जानेंगे, इसकी प्राइस देखेंगे, स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, इंडिया की प्राइस देखेंगे, कब आ सकता है इंडिया में ये भी जानेंगे। तो Realme X9 Pro और OnePlus Nord 2 यानी Realme और OnePlus, इसके अगर आप फैन हैं तो आगे ये वीडियो आपको बहुत काम में आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक करके हमारा मोटिवेशन बनाए रखना, कुछ डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछना। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट लीक के बारे में है दोस्तों, तो Realme X9 Pro लीक हो चुका है और लीक ऐसा हुआ है कि Realme दो डिफरेंट वेरियंट्स पे काम कर रहा है। सबसे पहला वेरियंट होगा दोस्तों सिर्फ चाइना के लिए, जो कि चाइना में लॉन्च होगा। वहां दोस्तों स्नैपड्रैगन 870 के साथ वो फोन लॉन्च होने वाला है। वही दोस्तों सेम फोन आउट ऑफ चाइना यानी कि जो ग्लोबल लॉन्च होगा, डायमंड सिटी 1200 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाला है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस निकल के आया है। तो दोस्तों ये जो ग्लोबल लॉन्च होने वाला है डायमंड सिटी 1200 के साथ, ये जो फोन है इसमें जो स्पेसिफिकेशंस होंगे वही सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको OnePlus Nord 2 देखने को मिलने वाला है, ऐसा लीक्स हमें कंफर्म करते हुए बता रहे हैं। तो क्या होगा दोनों में सेम, तो क्या होंगे OnePlus Nord 2 या फिर Realme X9 Pro के स्पेसिफिकेशंस? दोनों में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। दोनों में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। वही दोनों फोन आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेंगे। अभी Realme और OnePlus को एक ही बात डिफरेंशिएट करती है, वो है दोस्तों Realme का UI और OnePlus का ऑक्सीजन OS। तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर पसंद है इसके हिसाब से आप जंप कर सकते हो Realme या फिर OnePlus पे। वही दोस्तों और एक डिफरेंस निकल के आया है, तो OnePlus Nord 2 आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, वही Realme X9 Pro में आपको कर्व डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। अगेन अभी ये आप पे डिपेंड है, आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है या नहीं, या फिर आपको फ्लैट डिस्प्ले ही पसंद है। अगेन इसमें आपको OnePlus की ब्रांडिंग पसंद है या फिर Realme की ब्रांडिंग पसंद है, ये भी एक डिफरेंशिएट करने वाला पॉइंट निकल के आता है। फिर से दोस्तों दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। दोनों में आपको 8+128GB और 12+256GB वाले वेरिएंट भी देखने को मिलेंगे। वही दोस्तों कैमरे के बारे में बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलने वाला है बैक साइड को, जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा 50 MP का देखने को मिलने वाला है और वही 16 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा दोनों में। और वही तीसरा जो कैमरा है वो होगा दोस्तों 2 MP का, जो कि डेप्थ के लिए यूज होने वाला है। वही दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 MP का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि जो आपको OnePlus Nord में देखने को मिला था वही दोस्तों आपको OnePlus Nord 2 में भी देखने को मिलने वाला है। तो कैमरे के बारे में अभी तक हमारे सामने यही निकल के आया है दोस्तों। और अगर इतना सब कुछ दिया है दोस्तों तो एक बैटरी के बारे में भी सुन लो, 4500 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलने वाली है Realme X9 Pro में और OnePlus Nord 2 में भी। और इनको सपोर्ट होगा 65 वॉट का फास्ट चार्जर। अभी शायद ये इंडिया में कुछ अलग वॉट की सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और दोस्तों आखिर में इसकी प्राइसिंग की माने तो OnePlus Nord 2 ये जो फोन है ये स्टार्ट हो सकता है इंडिया में 30 या फिर 31,000 के करीब। मेरे हिसाब से शायद OnePlus Nord से थोड़ा सा महंगा निकल के आने वाला है यही OnePlus Nord 2। तो क्या आप OnePlus Nord 2 और Realme X9 Pro की लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे हो, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और कौन सा फोन आपको स्पेशल इंटरेस्टिंग लग रहा है ये भी कमेंट में बताना। और अगर कुछ कंपैरिजन देखना है, बेस्ट फोन आप अगर आप ढूंढ रहे हो अंडर 25,000, तो आपके सामने वीडियो मौजूद है, तो जल्दी से जाइए और उसका भी मजा ले लीजिए दोस्तों।